अभी हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर उर्दू को कैसे टाइप किया जा सकता है। उसके लिए हमें अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर में फॉन्ट्स इंस्टॉल करने होते हैं। उन फॉन्ट्स का नाम है पाक उर्दू इंस्टॉलर। वो आपको गूगल से कहीं भी डाउनलोड करेंगे तो ईजिली मिल जाएंगे। जब वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज बार का ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें इस तरह से उर्दू पाकिस्तान की बोर्ड लिखा हुआ रहा होगा, ठीक है, और अलिफ रे लिखा होगा, और यहाँ से इंग्लिश, यहाँ से उर्दू चेंज कर सकते हैं। उसका लेआउट कीबोर्ड का कुछ इस तरह है कि आपने यहाँ पे देख लें, देखें दो चीज़ें होती हैं। हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें एक बटन होता है कैप्स लॉक का। जब कैप्स लॉक ऑन होता है तो कैपिटल लेटर्स लिख रहा होता है, और जब कैप्स लॉक ऑफ होता है तो वो स्मॉल लिख रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से समझना है कि जब आपका कैप्स लॉक ऑफ है तो ये वाला कीबोर्ड फॉलो होगा, और जब कैप्स लॉक ऑन होगा तो ये वाला कीबोर्ड फॉलो होगा। अच्छा, इसमें शिफ्ट का जिक्र क्या है? मतलब देखिए, जब आपका कैप्स लॉक ऑफ है तो स्मॉल लेटर लिख रहा है, लेकिन अब अगर शिफ्ट के साथ कोई भी आप लेटर दबाएंगे तो वो कैपिटल हो जाएगा। वैसे स्मॉल है, शिफ्ट के साथ कैपिटल हो जाएगा। इसमें भी ऐसे ही होगा। आपने कैप्स लॉक को ऑफ रखना है। यूजुअली जब आप कैप्स लॉक ऑफ करके कोई भी बटन दबाएंगे तो उनसे ये लेटर्स प्रोड्यूस होंगे, और शिफ्ट के साथ ये वाले लेटर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। हाँ, वैसे ही, ये सही है। एक में नहीं है, शिफ्ट, अगर आप ए दबाएंगे तो अलिफ आएगा, शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे तो अलिफ बंद आएगा, एस दबाएंगे तो सीन आएगा। तो सर, तो ये तो याद करनी पड़ेगी। हाँ, ये थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी और थोड़ा कीबोर्ड पे देखना पड़ेगा। ऊपर वाले को समझ आएगी, नीचे वाली को। बस आसान है, एस से सीन है और एस शिफ्ट एस से स्वाद है, ए से अलिफ है, शिफ्ट ए से अलिफ मद्दा है, जेड से सर एक्स से शीन है, ये मुश्किल है, ये थोड़े मुश्किल है। एक्स से शीन है और एक्स से तीन नुक्ते वाला जे है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा टाइप करोगे तो हो जाएगा। तीसरा अल्टर जी आर। अल्टर जी आर क्या होता है? मतलब आपका जो सीधे हाथ का अल्टर है उसको कहते हैं अल्टर जी आर। अल्टर जी आर के साथ कोई भी नंबर दबाएंगे तो वो उर्दू के गिनती के नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर ये काफ छोड़ा ऊपर हमजा रहमतुल्ला अलैह और ये सन का हिजरी का कुछ निशान चाहिए, अल्टर शिफ्ट सीधे हाथ का अल्टर के साथ शिफ्ट दबाएंगे तो फिर ये रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम अल फुरका और ये कुछ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारी चीज़ें खुद ही प्रोड्यूस कर देगा। चलें, अब इसके लिए आपने इसका पीडीएफ भेज देना। हाँ, इसको कैसे लिखना है? तो सबसे पहले अब आपने टाइप कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक किया, आपने वर्ड को लॉन्च किया, यहाँ से आपने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके पहले आपने जो सेटिंग करनी है ना अपने इसकी, वो ये करनी है। डायरेक्शन हमारे वर्ड की लेफ्ट होती है, मतलब हम इंग्लिश लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको आपने करना है डायरेक्शन को राइट, ये पहला स्टेप है। इसको पहला स्टेप ये देख लें, डायरेक्शन को राइट करना है, अलाइनमेंट राइट करना है, ये आपने कर लिया। यहाँ से एक फॉन्ट लेना है जिसका नाम है जमील नूरी नस्तालीक। जब आप पाक उर्दू इंस्टॉलर करेंगे तो ये उर्दू का पक्का फॉन्ट है जिसका नाम है जमील नूरी नस्तालीक। ये सर लोड करने पड़ेंगे, जैसे आप पाक उर्दू इंस्टॉल करेंगे तो ये आ जाता है। इसका इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लें जितना रखना चाहे आपको इजीली नजर आए, तो उस पर रख के अब आपने टाइप करना शुरू करना है। जैसे अब पहले यहाँ से इसको उर्दू करना है, और यहाँ पे हमने लिखा मेरा नाम राशिद अली है, ठीक है, एंटर। उर्दू लिखने का तरीका ये होता है, उर्दू में स्पेस तो हम देते नहीं है, बस यहाँ पर स्पेस जब देना है जब आपको किसी अल्फाज को ब्रेक करना है। जैसे शीन एक दफा लिखेंगे, दोबारा शीन लिखेंगे तो जुड़ जाएंगे। आपको अलग अलग करना है तो एक स्पेस दबाना, ये ब्रेक हो जाएंगे तो फिर ये अलग अलग करेगा। जैसे कोर्सेज लिखना है तो कोर, ये देखिए मिल गया ना इसके साथ, तो मैं स्पेस दूंगा कोर्सेज, ठीक है, समझ में आ गई। अब एंटर करेंगे, अगली लाइन पर आ जाएंगे। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वैसे ही काम करेगा, बस अपनी डायरेक्शन राइट और ये दोनों पे राइट पर रखना सेम वही जैसे जी। नहीं, फॉन्ट जमील नूरी नस्ता लिख ले। अगर आपको लग रहा है बार बार फॉन्ट चेंज हो रहा है तो कंट्रोल ए दबाएं, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, और फिर यहाँ से आप ले लें जमील नूरी नस्ता लिख, तो यहाँ पर आपको जो उर्दू का फॉन्ट मिल जाएगा जमील नूरी। सर राइटिंग कैसे हो रही है सर? नहीं, वो सब लगा रखी है, सर आपने लोड कर रखी है? हाँ, ये सब में है, ये लगा दें, फिर ये खुद ही चेंज नहीं होगा फॉन्ट, ठीक है। अच्छा,